एफआईआर के साइबर क्राइम विंग ने लोधरा और बिहाड़ी में कार्रवाई करके फ्रॉड से एक जज का अकाउंट लूटने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक मुलजमान ने बैंक का नुमाइंदा बनकर गुजरांवाला में तैनात एडिशनल सेशन जज को टेलीफोन किया और बैंक अकाउंट से मुतालिक मालूमात लेकर 5 लाख रुपए निकाल लिए। एडिशनल सेशन जज की शिकायत पर एफआईआर ने मुलजमान का सुराग लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनसे मजीद तहकीकात की जा रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि गुज़िश्ता शब कराची कंपनी के पास चोरी या डकैती नहीं हुई, दहशतगर्दों ने फायरिंग की। गुज़िश्ता शब दारुल हुकूमत ने कराची कंपनी के करीब प्रीस नाके पर फायरिंग के नतीजे में एक पुलिसकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए थे। इस दौरान जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार दोनों हमला आवर भी मारे गए। शहीद अहलकार मुनव्वर की नमाज जनाजा अदा कर दी गयी, जिसमे वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी शिरकत की। ये कल दहशत गर्दी का वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास, और मुनव्वर शहीद जो हैं, हेड कांस्टेबल जो है, ये ड्यूटी पे थे और दहशत गर्दों ने इन पर बस्ट मारा है। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था, और ये हमें एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं, और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और पुलिस ने अपनी कुर्बानी देकर शहीद होकर यह साबित किया है कि इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस सारी इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान के नजराने पेश करती हैं कि किस्म की आफात क्यों ना हो। ये कोई चोरी या डकैती का मसला नहीं, ये प्योरली दहशतगर्दी का मसला है। दोनों मुलजमों तक हम पहुँच गए हैं, दोनों दहशतगर्द हैं, और मोटर बाइक से हमने इनकी रात को ही इनकी लोकेशन जो है वो मसरियाल से जहाँ भी इनका स्लीपिंग सेल था वहाँ से हमने ढूंढ ली है, और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की पुलिस आगे से ज़्यादा अलर्ट है और सारी फोर्सेस अलर्ट हैं। और ये सिग्नल भी है हमें कि दहशतगर्दी का इस साल में पहला वाकया इस्लामाबाद में हुआ है और दोनों के दोनों दहशतगर्द मारे गए। कराची पोर्ट कासिम पर करोड़ों लीटर डीजल से लदे जहाज को रेत से निकाल लिया गया। जराए का कहना है कि जहाज इंजन फेल होने के सबब रेत में लगा। इंजन फेल होने के बाद जहाज को रेत में फंसने से ना बचाया जा सका। जराए के मुताबिक जहाज को टर्मिनल पर बर्थिंग से रोक दिया गया और अब इसे बंडल जजीरे के करीब खड़ा किया जाएगा। शिपिंग जराए के मुताबिक जहाज हाई प्रोस्पेरिटी आज सुबह 7:30 बजे फंसा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम दुश्मन मिनी बजट को जबरदस्ती पास करवाया। यूसुफ रजा गिलानी के हमला मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने ईवान के अंदर और बाहर मिनी बजट पर एहतजाज किया। हमसे वादा किया गया था कि कुछ अशिया पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो भी गलत निकला। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है कि हम इस हकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलें, और हमारी CEC ने फैसला किया है कि हम 27 फरवरी को हकूमत के खिलाफ निकलेंगे। अमरीकी फजाई कंपनियों ने 5G टेक्नोलॉजी को फजाई ऑपरेशन के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक फजाई कंपनियों के सरबराहान ने एक खत में मुतालबा किया है कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत के मुताबिक 5G टेक्नोलॉजी को एयरपोर्ट के रनवे से 2 मील दूर तक महदूद रखा जाए। खत के मतन के मुताबिक बसूरत दीगर मुसाफिर और कार्गो तैयारों को ऑपरेशनल मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कैलेंडर के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने टीम की कमजोरियों के मुतालिक बताया। लाहौर कैलेंडर्स के प्री कैंप के अख्तिताम के मौके पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा कि लाहौर कैलेंडर्स की बॉलिंग क्वालिटी बेहतरीन है, बेहतरीन फास्ट बॉलर लाहौर कैलेंडर के पास है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बेहतरीन स्पिनर राशिद खान लाहौर कैलेंडर में शामिल हैं और बैटिंग लाइनअप भी तजर्बाकार है, लेकिन हमें फील्डिंग में मजीद काम करने की जरूरत है।